खतौली से चुनाव जीतने के बाद मदन भैया ने विजेता रहे। उन्होंने जयंत चौधरी से मुलाकात की और इस मौके पर जयंत चौधरी ने मदन भैया से कहा कि जनता के बीच ही रहना है। मदन भैया ने भी कहा कि पार्टी के संदेश के साथ रहना है और जनता के लिए काम करना है। खतौली से नवनिर्वाचित रालोद विधायक मदन भैया हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। आज इन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी से मुलाकात की है। क्या संदेश दिया जयंत चौधरी जी ने और आपने क्या कहा उनसे? जयंत जी का यही संदेश है, देखिए चुनाव जीतने के बाद ही हमारी नेतृत्व से जो है शिष्टाचार भेंट थी। रात हुई हम एक्चुअली चंद्रशेखर जी से मिलकर आए थे और उसके बाद हमने जो पार्टी कार्यालय पे गए, 2 बज गए थे, नहीं तो कल की हमारी भेंट होनी थी जो है, तो इसलिए भेंट हुई है। और सब प्रसन्न है कि पार्टी की नीतियाँ आगे बढ़ रही हैं, पार्टी की नीतियों की जीत है, ये किसानों की जीत है, मजदूर वर्ग की जीत है। और जो भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियाँ जमीन पर नहीं उतर रही हैं, जिससे लोग त्रस्त हैं, उसके खिलाफ एक ही मैंडेट है। जयंत जी ने क्या संदेश दिया आपको कि आगे किस तरीके से खतौली में काम करना है, क्योंकि मुजफ्फरनगर कहीं ना कहीं उन्हीं का जिला है और उनके जो तमाम सारे पूर्वज हैं वहाँ पर काम करते रहे? नहीं, उनका संदेश यह है इसको और धरातल पर और मजबूत करना है, गठबंधन को और मजबूत करना है। आगे किस तरीके से काम रहेगा आपको जनता के लिए? जनता के लिए वही काम रहेंगे, सामान्य के काम है जो जनरल काम होते हैं, जनता के बहुत बड़े बड़े काम नहीं होते, बहुत छोटे छोटे काम होते हैं, उन्हीं को ये सरकार पूरा नहीं कर पा रही थी, उन्हें पूरा कराने का पूरा प्रयास करेंगे। शुक्रिया से बातचीत करेंगे। ये मदन भैया जो कि खतौली विधानसभा से कल ही चुनाव जीत करके आए हैं और आज इन्होंने जयंत चौधरी से मुलाकात की, जिसमें जयंत चौधरी ने इनको साफ तौर पर कहा कि जनता के बीच में जाके अब और ज़्यादा काम करना है। कृष्ण सुनील पांडे के साथ अविनाश तिवारी, यूपी गंगा, दिल्ली। और आपने खतौली में विजेता उम्मीदवार की बात सुनी। खतौली और मैनपुरी में जीत से सपा गठबंधन के नेता उत्साहित हैं। राष्ट्रीय लोकदल नेता जयंत चौधरी ने जीत पर कहा है कि मुद्दे और मेहनत के बल पर उन्हें जीत मिली है और अब ये कोई नहीं कह सकता कि किसी को हराया नहीं जा सकता। वहीं रामपुर में हार पर उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन के कारण रामपुर में उन्हें हार मिली। ये जयंत चौधरी का कहना है, उनका दल खतौली उपचुनाव जीत गया है। और देखिए मदन भैया ने उनसे मुलाकात की है। जीते हुए उम्मीदवार मदन भैया जीत का सर्टिफिकेट लेने के बाद अपने अध्यक्ष के पास पहुंचे। उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं और खतौली विधानसभा सीट में आरएलडी की जीत हुई है। अब उनके कुल 9 विधायक हो गए हैं और इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी। सर, कितनी बड़ी जीत है, क्योंकि आप लोग लगातार कह रहे थे कि 2024 के लिए बड़ा संदेश जाएगा। बड़ा मैंडेट मिला है, एक बहुत बड़ा विश्वास लोगों ने जताया है और मौका दिया है। और अगर आप देखें मुजफ्फरनगर और शामली, इन जिलों में जहाँ पहले दूसरे मुद्दे हावी हो गए थे, लोगों ने दोबारा अपने खुशहाली से जुड़े मुद्दों को पहचाना है, उनको बढ़ाने का काम किया है। 16% हमारा वोट जो कुछ ही महीने पहले हमें चुनाव में मिला था, आम चुनाव में, बढ़ के हमें मिला है। तो जिस तरह से लोगों की नाराज़गियाँ हैं सरकार से, वो उन्हें जाहिर करने का मौका मिला। अब सरकार को मौका है कि जनता के उन मुद्दों को पहचाने और काम करे। सर, अगर बात करें तो बीजेपी के खाते में सीट थी, वहां से निकाल के आप लेकर आए रालोद के हिस्से में, अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कितना बड़ा दायित्व तो आपके ऊपर है, क्योंकि 24 में निगाहें आपके ऊपर ही होगी। एक तो ये कॉन्फिडेंस देता है लोगों को कि ऐसा नहीं है कि यही ये रहेंगे, और ये जो हवा लोगों के मन में बना रखा है कि इन्हें हराया नहीं जा सकता, अगर हम सकारात्मक प्रचार करेंगे, डोर टू डोर जाएंगे, मेहनत करेंगे, तो मेहनत का फल मिलेगा। मैंने खुद गाँव में जाके पर्चियाँ बांटी हैं, घर घर में गया हूँ, आँख मिलाकर मतदाताओं से बातचीत की है, तो उन्होंने उन बातों को समझा और बहुत प्यार दिया है, मौका दिया है। तो ये सिर्फ मुझे नहीं, पार्टी के हमारे गठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है और सीख है। सर, अगर बात करें तो विपक्षी एकता भी देखने को मिल रही है, पार्टी के साथ कल प्रसपा का विलय हो गया, शिवपाल यादव जी मिल गए हैं पूरी तरीके से, और मैनपुरी में भी बड़ी जीत हुई है, किस तरीके से इसको देखते हैं इस समीकरण को? मैनपुरी की जीत बहुत अच्छी है और बड़ा मार्जिन से डिंपल जी को दोबारा मौका मिला है और संसद में वो रहेंगी, और महिलाओं के मुद्दों को लेकर और समाजवादी पार्टी के हमारे गठबंधन के मुद्दों को उठाएंगी विश्वास के साथ। मैनपुरी की जीत इसलिए भी महत्वपूर्ण होती है कि ये चुनाव हम कोई चाहते नहीं थे, चुनाव इसलिए हुआ क्योंकि मुलायम सिंह जी का निधन हुआ और वो जो एक बहुत बड़ा वैक्यूम लोगों के मन में है, शायद उसे पाटने की कोशिश लोगों ने की है, आशीर्वाद दिया है और दोबारा विश्वास जताया अखिलेश जी के नेतृत्व में। तो शिवपाल यादव जी की भी वापसी हुई है, प्रसपा उन्होंने खत्म कर दिया और विलय कर दिया समाजवादी पार्टी में, मुलायम सिंह जी के निधन के बाद परिवार में जो एकता आई, एकजुटता आई है, कितना बड़ा संदेश है ये कार्यकर्ताओं के लिए और तमाम लोगों के? हर परिवार में बड़े लोग बड़े फैसले लेते हैं, जब चुनौती आती है तो घर में बड़े लोगों के साथ परिवार में बैठा ही जाता है और तब निर्णय लिए जाते हैं,
तो क्योंकि वो चाचा हैं, बड़े उम्र में और अनुभव है, उन्होंने सही फैसला लिया, इसका लाभ हम सबको मिलेगा। रामपुर की हार को किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि कल आपने ट्वीट भी किया था कि मैं जश्न नहीं मनाऊंगा क्योंकि रामपुर में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। देखिए, बात रामपुर एक सीट की नहीं है, एक विधायक की सीट की नहीं है, हम हार जाएं कोई बात नहीं, किन परिस्थितियों में हमें हराया गया है ये गौर करने की बात है। और अगर ऐसे ही चुनाव होंगे तो फिर जो हमने अचीव किया है खतौली में और मैनपुरी में, और आगे उस पैटर्न पे हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। जनता के मत को, जनता के भावनाओं को दबाया गया, कुचला गया है। पुलिस प्रशासन जिसको स्वतंत्र रहना था और चुनाव आयोग के निर्देशन में काम करना था, या तो चुनाव आयोग की ढील रही है या पुलिस प्रशासन पूरी तरह सत्ताधारी दल के साथ समन्वय बना के काम कर रहा था। कई मतदाताओं को लौटाया गया ये कहकर के आप आधार कार्ड पे वोट नहीं कर सकते, ये आपका फ़ोटो आईडी वैध नहीं है, आपको सिर्फ वोटर कार्ड के बल पे ही आपको मतदान का हक मिलेगा, जो कि सरासर गलत है, झूठ है। तो इस तरह से अगर बड़े बड़े अधिकारियों ने जो वोट को दबाने का काम किया, ये साफ संकेत हैं कि सरकार ने मन बना लिया था कि एन केन प्रकेंड हमें रामपुर जीतनी है। तो वो जीत तो गए लेकिन लोकतंत्र के लिए बड़ी हार हुई है। शुक्रिया। बातचीत करेंगे रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी, जो कि बता रहे हैं कि किस तरीके से खतौली में जो विधानसभा सीट पे जीत हुई है वो कितनी बड़ी जीत हुई है, और आगे लक्ष्य रहेगा कि गठबंधन बरकरार रहे और गठबंधन बरकरार रखते हुए पार्टी को मजबूत किया जाए। प्रशांत सुनील पांडे के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।